आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी मजेदार मटर की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए, इसे बनाने के लिए आधा किलो मटर लिए, जिसको अच्छे से छीलकर धो लिया। यहीं पर लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर, 2 बड़े साइज के प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्ची और 4-5 लहसुन की कलियाँ। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ, कुछ सेकंड के लिए इनको भूनेंगे। इसी में डालेंगे ये हरी मिर्ची और अदरक के टुकड़े। यहाँ पर सभी को मैंने मोटा मोटा काटा है, इसको कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इसी में डालेंगे प्याज, प्याज को भी हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है। देखिए, ये प्याज भी हमारी यहाँ पर अच्छे से भुन गई है। बस हमें इतना ही प्याज को यहाँ पर भूनना है, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, इसलिए हम इनको यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसी में डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। यहीं पर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इनको यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि हमारे ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट हो गए, हम ढक्कन उठाकर देखते हैं हमारे टमाटर गले हैं कि नहीं। देखिए, हमारे ये टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका एक मोटा सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक हमें पेस्ट नहीं बनाना है। उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे। इस प्रकार की हमें मोटी ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया, यहीं पर डाली मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर ग्रेवी को डाल देंगे। डालते हुए अच्छे से हमें इसको यहाँ पर पकाना है। आप रेगुलर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारा ये सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसको चलाते हुए लगातार हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। यहीं पर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इसको लगातार चलाते हुए इसी तरह से भूनेंगे, जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना होने लगे, तब तक हमें इस ग्रेवी को अच्छे से भूनना है। बहुत ही टेस्टी मजेदार मटर की सब्जी बनकर रेडी होती है। यहीं पर मैं 1/2 चम्मच नमक और डालूंगी इसमें। 1/2 चम्मच हमने पहले डाल दिया है, अपने हिसाब से नमक ऐड करें इसमें। देखिए, ये ग्रेवी हमारी यहाँ पर अच्छे से भुन रही है। यहीं पर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच फ्रेश घर की मलाई और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए और भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी ग्रेवी में। सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। सही प्रोसेस यही होता है सब्जी का कि हमें ग्रेवी को अच्छे से यहाँ पर पकाना है। यहीं पर जो मैंने ग्रेवी बनाई थी, उसी को धोकर मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के करीब पानी भी डालूंगी, जिससे कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए, हमारे मसाले जले नहीं। देखिए, ये ग्रेवी हमारी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पक गई है। अब इसी में डाल देंगे हम ये धुली हुई मटर। देखिए, यहाँ पर हमने ये मटर इसमें डाल दिया और मटर को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मटर में मिक्स हो जाएं। देखिए, हमने यहाँ पर मटर को कुछ देर के लिए अच्छे से पका लिया है। यहीं पर मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट हो गए, इसका ढक्कन उठाकर देखते हैं, सब्जी को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे मटर अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। देखिए, यहाँ पर ये मटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। यहीं पर हम गैस का फ्लेम भी ऑफ कर देंगे और यहीं पर मैं डालूंगी लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितनी टेस्टी मज़ेदार हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। आप इसके आगे पनीर की सब्जी भी भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती है। आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी
खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब।